अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है पोइम में यूज़ होती हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमिले। ये कुछ हैं लिटरेरी डिवाइसेस जो आपकी पोइम्स में यूज़ हुई हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी कि ये क्या होती है। वॉट इज़ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स विच आर यूज क्लोजली टुगेदर इन द पोइम। जो एलिट्रेशन होती है वो बार बार दोहराए जाने वाले कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड होता है अल्फाज का। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, जैसे आपको वोवल साउंड का पता है, ए ई आई ओ यू, ये है वोवल साउंड। तो जो इससे जो बाकी हमारे पास अल्फाबेट्स में हो जाते हैं वो है कॉन्सोनेंट साउंड। उनकी रिपीटेशन जब होती है वो एक ही लाइन में या एक ही फ्रेज में यूज़ होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे एलिट्रेशन बन जाते हैं। एलिट्रेशन ऑफन इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स की भी रिपीटेशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खास तौर पे, इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ साउंड, ये साउंड की भी रिपीटेशन होती है। अब लेटर्स या अगर हम साउंड, एक साउंड तो हमारे पास है वूज वूड्स, वूज और वूड्स में थोड़ा सा तो वो वू आपको साउंड सेम लग रहा है ना, ये हो गई एलिट्रेशन। हीज हाउस, इसमें एच एच यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, ये रिपीटेशन हो जाएगी लेटर की। सी मी स्टॉपिंग, इसमें क्या आ जाएगी, लेटर की रिपीटेशन। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, फिलिप्स फीट, इसमें फिलिप्स और फीट इन दोनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट है लेकिन फी फी यूज़ हो रहा है, फिलिप्स का फी और फीट का फी, तो ये क्या हो जाएगी, सेम कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह अली लाइक्स ऑल एलिट्रेशन, इसमें क्या हो जाएगी, लेटर्स की रिपीटेशन हो जाएगी। अली लाइक्स ऑल एलिट्रेशन, अली और लाइक्स को हम स्किप कर देंगे, ऑल ऑल में भी ए यूज़ हो रहा है या एलिट्रेशन आ गया, एलिट्रेशन, ये क्या हो जाएगी, सेम लेटर्स की है रिपीटेशन। ठीक है, एलिट्रेशन की आपको समझ आ गई। इस ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होते हैं और सेम कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वर्ड्स में, और ये क्या आते हैं, क्लोजली टुगेदर इन द पोइम में, बहुत करीब एक दूसरे के आते हैं। वॉट इज इमेजरी? इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज, जो इमेजरी है वो एक लिटरेरी टेक्स्ट है, ये विविड और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है जो कि गहराई को ऐड कर देती है किसी, विविड एंड डिस्क्रिप्टिव मतलब वाजिया तौर पे किसी चीज़ की इमेज को हमारे जहन में वाजिया तौर पे एक्सप्लेन करके बता दी जाती है। इमेजरी इज़ दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स, ये कंस्ट्रक्शन होती है वजाहत की होती है, यूज टू क्रिएट ये मेंटल इमेज हमारे जहन में बनाने के काम आती है, इन द माइंड ऑफ द रीडर, रीडर के मेंटल यानी दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देती है। थ्रू किसके ज़रिए, द विजुअल सेंस के ज़रिए, यानी हमने कुछ चीज़ें देखी होती हैं, जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें वो, हम अपने वो माइंड में उस चीज़ की इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड, ये जो होती है ये सेंसरी इमेजरी भी होती है, ये क्या होती है, ह्यूमन सेंसेस जो होती है वो भी होती है जी। और इसके थ्रू जो रीडर होता है ना वो पोइम को या किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है विजुअल की, अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है, ह्यूज ट्रीज़ इन दी थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अब हमने ट्रीज़ भी देखे हैं और थिक और डार्क फॉरेस्ट, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट जंगल भी देखा होगा तो हमें आइडिया हो जाता है, जंगल सबने ही देखा और टीवी पे तो देखा ही होता है तो हमें पता है कि क्या है ये, तो हमें विजुअली इमेज ये हमारी क्रिएट कर देता है हमारे जहन में दरख्तों की और जंगल की। नेक्स्ट क्या है, ऑडिटरी यानी सुनने का, क्या होता है ये सेंस, रेस्लिंग लीव्स, दी रेस्लिंग लीव्स, ये क्या है, लहराते हुए हमें पत्तों की आवाज़ हमने सुनी होती है, अगर हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, हम बाहर निकले तो हमें पत्तों की आवाज़ सुनाई देती है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, खुशबू की अगर बात करें, अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है सेंट ऑफ एप्पल के, सेब की खुशबू, तो हमें पता है कि सेब की खुशबू कैसी होती है। टेस्ट, अगर सिर्फ इतना हमें बता दिया जाए, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, तो हमें टेस्ट का हमें बिल्कुल आइडिया फ़ौरन हो जाता है कि कैसे वो जो किन्नू हैं या माल्टे ऑरेंजेस हैं वो मीठे और जूसी किस तरह के होंगे। अगर हमें कह दिया जाए ड्रग्ड एंड रफ पाथ, तो हमें पथरीले रास्ते से गुजरे होते हैं कि हमें पता है, आइडिया तो है हमें कि क्या होता है, तो इससे ये टच हो गया हमारा ड्रग्ड एंड रफ पाथ। इमेजरी आपके पता चल गया कि क्या होती है, ये आपको एक वाजिया इमेज क्रिएट कर देती है आपके माइंड में किसी भी चीज़ के बारे में, या चाहे वो विजुअल हो या बाकी सेंसरी इमेजेस हों। सेंसरी सेंसेस कौन सी, टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर की। व्हाट इज मेटाफर? अ मेटाफर जो होता है इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स।
मेटाफर जो होता है वो दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि दैट आरंट अलाइक, जो एक जैसी नहीं है, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें आपस में कुछ चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अनलाइक अ सिमिली वेयर टू थिंग्स आर कंपेयर डायरेक्टली। सिमिली जो होता है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ों को डायरेक्ट आपस में कंपेयर कर दिया जाता है यूजिंग लाइक और एज, लाइक या एज को यूज़ करके। अ मेटाफर्स कंपेरिजन इज मोर इनडायरेक्ट। जो मेटाफर का कंपेरिजन होता है डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्टली होता है, यूजली मेड बाय स्टेटिंग समथिंग इज समथिंग एल्स, कि कुछ जो है वो कुछ और भी है। अ मेटाफर इज वेरी एक्सप्रेसिव। जो मेटाफर होता है वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है। इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। यू मे हैव टू वर्क अ लिटल टू फाइंड द मीनिंग इन अ मेटाफर। आपको थोड़ा सा अपने काम मेहनत करनी पड़ती है, या आपको उसका मतलब को देखने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है इधर, अ रिवर एंड टीयर्स आरंट वेरी अलाइक। जो दरिया होता है, आंसू, वो दोनों सेम नहीं है, लेकिन जो ये हमें पता है कि दरिया क्या होता है, पानी जो होता है, वो कुदरत की तरफ से ये पानी होता है। एक वन इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर इन नेचर, वाइल द अदर कैन बी प्रोड्यूस बाय आवर आइज। दे डू हैव वन थिंग इन कॉमन, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, पानी, चाहे वो आंसुओं से निकलता है या वो दरिया में बहता है। अ मेटाफर यूजेस दिस सिमिलैरिटी। मेटाफर जो होता है वो इस किस्म की जो सिमिलैरिटी होती है उसको यूज़ करता है टू हेल्प द राइटर मेक अ पॉइंट, ताकि राइटर जो है अपना वो पॉइंट क्लियर कर सके। एग्जांपल, हर टीयर्स वर आर रिवर फ्लोइंग डाउन फॉर चिक्स, कि उसके आंसू ऐसे बह रहे हैं उसके गालों से जैसे कि दरिया बह रहा है। अब क्या, आंसू दरिया तो नहीं है, लेकिन उसको, उसके आंसुओं को दरिया के पानी से मिला दिया गया है। ये हो गया है मेटाफर। नेक्स्ट अब क्या है, सिमिले क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर। जो दो चीज़ों को, जो कि आपस में मिलती नहीं है, लेकिन उन्हें आपस में कंपेयर कर दिया जाता है। यूजली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस बाय लाइक और एज, उसमें क्या किया जाता है, यूज लाइक और एज को यूज किया जाता है। कैसे, ही इज एज फास्ट एज अ हॉर्स, वो ऐसे तेज भाग रहा है जैसे कि घोड़ा। अब वो जो भी है वो फास्ट भाग रहा है, घोड़ा है नहीं वो घोड़ा, लेकिन घोड़े की तरह भाग रहा है। इट इज कोल्ड लाइक आइस, ठंड ऐसे पड़ी है जैसे कि बर्फ होती है। इसमें भी लाइक यूज कर दिया गया। अब मेटाफर और सिमिलीज में आपको क्लियर, ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बता दूँ, वाइल बोथ सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर यूज टू मेक कंपेरिजन, इन दोनों को कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सिमिलीज एंड मेटाफर्स कम डाउन टू अ वर्ड। इसमें क्या है, कुछ अल्फाज का या एक लफ्ज का मतलब वो एक लफ्ज का डिफरेंस आ जाता है या फ़र्क आ जाता है। सिमिलीज जो यूज़ होती है, द वर्ड लाइक और एज यूज़ होता है टू कंपेयर थिंग, चीज़ों का कंपेयर करने के लिए हम उसमें लाइक और एज यूज़ करते हैं। जैसे लाइफ इज़ अ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, इसमें हमने लाइक यूज़ कर दिया है, लाइफ इज़ लाइक, ठीक है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब हम इसके बदले अगर हम मेटाफर करते हैं, तो मेटाफर में क्या हमने कंपेरिजन के लिए, लव इज़ अ बैटल फील्ड। अब मोहब्बत को या प्यार को हमने बैटल फील्ड से, जंग से मुशाबत दे दी गई है इधर, ठीक है। ये अब आपको आइडिया उम्मीद है कि क्लियर हो गया हो, ये आपने इसको कर लेना है। और अगर बेहतर है कि आप इसकी जो अपनी पोइम्स देखें और उसमें एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमिलीज, आपको जो जो मिलती है उसे अपनी रफ कॉपी पे लिखिए, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।